पंडित जी, एक चीज और जानना चाहूंगा। आपका एक प्रोजेक्ट है, मैं पढ़ रहा था, और उस प्रोजेक्ट का सीधा संबंध मेरे इस सवाल से है। नहीं, पर अभी आपने जो बात कही उस पर मैं कुछ नहीं, अभी जो आपने कहा ना, घराने की, कुमार जी ने कहा घराने की कूलीगिरी नहीं करूंगा, हाँ, तो मुझ में संयोगवश ऐसा मेरे साथ हुआ कि कुमार जी ने सब घराने का निचोड़ निकाला है और तो अभी हमको और घरानों का अभ्यास करने की जरूरत नहीं, ऐसा मेरे विचार नहीं थे, ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ। जो अगला सवाल आप पूछने जा रहे हैं, मैंने जो आर्काइवल काम किया संबत फाउंडेशन के जरिए, तो मुझको हर घराने के सौंदर्य मूल्यों को खुद से परखने का अवसर मिला। यही आप पूछने वाले थे ना? नहीं, ठीक है मैंने बात। कहीं पढ़ा कि आपने, जो लोग शास्त्रीय संगीत की समझ बिल्कुल नहीं रखते उनके लिए एक प्रोग्राम तैयार किया जिसमें वो हाँ, पर ये बात सुन लीजिए, उस पर बाद में आता हूँ। तो इसमें क्या हुआ कि जयपुर घराने का नाम लेने की, जयपुर घराने की बंदिशें का, अगर आप जयपुर घराने की गवैये नहीं हो सकते, जयपुर का सौंदर्य मूल्य क्या, कि मूल्य क्या है ग्वालियर के तुलना में, ग्वालियर में क्या है कि सब कुछ है मगर कुछ भी स्पेसिफिक नहीं, ये अगर ग्वालियर की स्टाइल है तो टू बी वेरी स्पेसिफिक, हाँ, जैसे जैसे ये स्पेसिफिसिटी है ना, सम का मुखड़ा उसी पॉइंट से पकड़ने की बात है। तो ये किसी, ये जयपुर का सौंदर्य तत्व अगर मुझे समझा है तो मुझे जयपुर घराने की बंदिशें गाने की जरूरत नहीं है। मतलब कोई भी बंदिश मैं इस स्पेसिफिसिटी से गा सकता हूं। अगर अब्दुल करीम की सुर के अंतरात्मा में जाने की मुझे किराने का सौंदर्य मूल्य मैंने अपनाया है, तो किराना घराना जो आज सोमाना पूजा कल्याण में गाता है वो गाने की जरूरत नहीं है। तो कुमार जी ने यही काम किया था जो मैं करता हूं। आगरा घराने के लिए मैं मंगल दिन आज कुमार जी की बंदिश भी आगरा घराने के ढंग से गा सकता हूं अगर मैंने चाहा तो। अभी कल की बात है, मेरे शिष्य को मैं सुर संगत सिखा रहा था, तिन कृतिन तिन ना ना, वो जयपुर घराने की बंदिश है, अला दिया खा दरा रचित, तिन कृतिन तिन ना धिन ना तिन कृतिन तिन ना, गाय दिल बड़ा करो ना वॉल्यूम थोड़ी कमी ले, देखिए यार से जयपुर में, जयपुर के आकार में आलाप करने के बजाय बनी सारे ग सारे पाम गा गरी गरी रे गनी सा गो गनी सा बनी सारे ग सारे पाम ग हेम बद पर धम पाम गमक गरी रे गरी रे सो। यह भिंडी बाजार घराने के अंक की सरगम हुई, तो भिंडी बाजार घराना गाने के लिए मुझे ना भिंडी बाजार की घराने की बंदिश जरूरत है,
क्योंकि ये तत्व में सरगम को सरगम से कैसे नचाते हैं, एक लिल्ट कैसे पैदा करते हैं, ये आत्मसात करना, ये भिंडी बाजार का मैसेज है, ये भिंडी बाजार घराना समझने की चुनौती है। तो ऐसे कहीं भी कुछ हो सकता है, और सुरमे गाने के लिए कोई भी घराना मना नहीं करता है। पहले आप क्रिकेट की का उदाहरण आप दे रहे थे कि बॉलर आता है रन अप से, तो मुझे लगता है कि संभवतः ये जो घरानों की अलग अलग पहचान है उसको ऐसे भी समझाया जा सकता है कि अगर आपको मूलतः क्रिकेट अच्छा खेलना आता है तो आप अच्छे टेस्ट बैट्समैन भी होंगे, आप अच्छे वनडे बैट्समैन भी होंगे और अच्छे T20 बैट्समैन भी होंगे। जी जी पंडित जी, और नहीं तो अंपायर भी हो सकते हैं, अंपायर भी हो सकते हैं, समीक्षक का काम अंपायरगिरी का ही होता है। जी जी, उस प्रोजेक्ट के बारे में भी थोड़ा सा बताइए पंडित जी, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि बिल्कुल जो जो संगीत शास्त्रीय संगीत की समझ नहीं रखते उनको कैसे आपने 25 मिनट 20 मिनट कैसे सुने, वो उस पर क्या क्या राय थी आपकी, क्या विचार थे आपके? नहीं देखिए, ये प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट इतना मेरे सांगीतिक जीवन में इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है प्रोजेक्ट ये। हालांकि पुराने जमाने के लोग भी जब 3 मिनट का रिकॉर्ड बनता था तो 3 मिनट में अपना म्यूजिकल कंटेंट देने की कोशिश करते थे, फिर 7 मिनट की EP आई, फिर 20 मिनट का लॉन्ग प्लेइंग रिकॉर्ड आया, फिर रेडियो ने, ऑल इंडिया रेडियो ने आधा घंटे का टाइम ब्रॉडकास्टिंग स्लॉट बनाया, तो लोग ख्याल की सही वक्त आधा घंटा है समझते थे। हालांकि पुराने जमाने में ऐसे नहीं था, जितना फुर्सत होती है गाने वाले को और सुनने वाले को इतनी इतना राग छोटा बड़ा होता है। पर अगर एक चीज कहने को, जैसे कालिदास का एक श्लोक है उस पर आप उसका सौंदर्य शास्त्रीय विवेचन एक पंडित 1 घंटा भी कर सकता है और 3 मिनट भी कर सकता है, पर पूरा ये कोई मतलब ऐसे भी हो सकता है, ऐसे होना चाहिए, हर कलाकार में एक अच्छे कलाकार में एक क्षमता होती है। तो किसी उद्योजक की ये महत्वाकांक्षा थी कि टेलीफोन के डायल टोन को जितना अवधि होता है उसमें लोगों को राग संगीत समझे। तो मैंने कहा पर गवैयों को ऐसे नहीं लगता है कि सड़क सड़क पर लोग राग समझे, मैंने कहा गवैयों की इच्छा नहीं होनी, गवैयों की इच्छा होनी चाहिए ना 20 सेकंड में, क्योंकि राग जो होता है राग 1 मिनट में समझ में आ सकता है। देखो सामा, मुझे एक अप एंड कमिंग गायक ने पूछा था एक बार, उसने मुझे पूछा यही है ना भटियार, मैंने कहा तुमने ऐसे भटियार को मुट्ठी में पकड़ा कि वो मुट्ठी खोलते खोलते मुझे 10-15 साल लग गए कि कितनी बात छुपी है मुट्ठी में। तो ये भी एक अप्रोच है राग को कहने का, मतलब क्या सीएल नमक का क्या केमिस्ट्री की परिभाषा होती है, सीएल एनएसीएल, अपर नमकीन चीजें सैकड़ों बनती है, नमक अपना स्वाद
पराठे में अलग देता है, समोसे में अलग देता है ना। तो ये एक इत्मीनान की बात है, टाइम जितना मिलता है उतना उतने टाइम में अपने कला अपना समग्र विचार पेश करना एक फॉर्म होता है। अच्छा पंडित जी, इसी से जुड़ा फिर एक सवाल और है मेरे जहन में। आप फिल्म संगीत को भी बहुत लोग कई बार बहुत कमतर आंकते हैं, कहते हैं बहुत हल्की चीज है, बहुत 5 मिनट 2 मिनट और दिस दैट। आपने कुछ फिल्मों के लिए भी गाया है और बहुत अप्रतिम वो चीजें भी हैं। अब वहां पर जब लिमिटेशन होती है कि 5 मिनट है और 6 मिनट है, तो किस तरह का माइंडसेट करना पड़ता है, वो कितना जटिल होता है, कितनी बड़ी चुनौती होता है? नहीं, बहुत इट्स ए डिफरेंट स्किल। और देखिए, फिल्म संगीत में जो लोग ऐसा कहते हैं कि इसमें 2-5 मिनट ही होता है, पर उसमें एक अच्छा, जैसे सी रामचंद्र हो या नौशाद हो या मदन मोहन हो, ऐसे कंपोजर ने वो धुन को 10-12-15 दिन सोच के बनाया है। लता जी जैसे ने उसको अत्यंत स्वर्गीय तरीके से गाया है, किसी ने अत्यंत सुंदर लिखा है, और वो इट्स अ प्रोडक्ट, इट्स नॉट अ प्रोसेस। मतलब प्रोडक्ट का भी एक परिपूर्ण प्रोडक्ट का अपना मजा होता है, जैसे सिम्फनी संगीत भी एक प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट है इन द सेंस इट इज प्री कम्पोज, पर उससे उसका महत्व कम नहीं होता है। और अच्छा है कि उनको और बढ़ाने का मौका नहीं, तो कई बार बढ़ाने का मौका मिलाने से लोगों ने संगीत को खराब ज्यादा किया है बल्कि अच्छा, क्योंकि हर किसी के पास उपज नहीं होती है। 2 मिनट का जो कंटेंट है वो 20 मिनट गाने की प्रतिभा हर एक गायक के पास नहीं होती है, और किसी गायक के पास होगी तो हर 18 मिनट वो काम करती ही रहेगी, ऐसा कोई नहीं है। इसलिए मुझे, मैं कभी अलग इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में नहीं कहा कि किशोरी अमोनकर की जिसमें रंग न जमा हो, ऐसी महफिल में ज़्यादा प्रीफर करता हूँ एज कम्पेयर टू जुबिन मेहताज वेल परफॉर्म्ड सिम्फनी, क्योंकि वो तो पूर्व निश्चित ही बजा रहे हैं। किशोरी जी कुछ नया करने का कोशिश करती है तो कभी वो बात बनती है, कभी नहीं भी बनती है। इसलिए हमारे मराठी में कहावत है, यशा होनी ही प्रयत्न सुंदर, रस से यश प्राप्त करने से उसके लिए जो कोशिश होती है वो बहुत सुंदर होती है। इसलिए हमारे संगीत में आप प्री डिटरमिनेंट नहीं गाएंगे तो ही नई बात बनेगी ना। हाँ, तो फिल्म संगीत को मैं ओछा नहीं सोचता, नंबर वन। नंबर टू दूसरा है कि मैंने जो प्लेबैक किए वो लकीली है, उसमें ऐसे सीन्स नहीं थे कि हेमा मालिनी के पीछे धर्मेंद्र भाग रहे हैं उपवन में और मैं प्लेबैक दे रहा हूँ। मेरे बचपन से मेरे को जो प्लेबैक मैंने जितने दिए वो सब गुरु के ही दिए। सबसे पहले विजेता में भी गुरु आके रेखा जी को सिखाता है गाना, एंड रेखा इज अ हाउस वाइफ और घर में संगीत का, तो ऐसी सिचुएशन थी। फिर लेकिन फिल्म में जो मैंने गाया वो भी गुरु गुरु ही अपने शिष्य को बताया, ऐसे था। तो जब मेरी उम्र, मतलब मैं बहुत छोटा था तभी मेरे को प्लेबैक गुरु के ही मिले और उसमें मुझे मुक्त स्वातंत्र था, तो ऐसी मेरे को ये नहीं पड़ा। पर एक मराठी फिल्म में मैंने लता जी के साथ भी गाया था, तो ऐसे टू दी पॉइंट गाने की गवैये हैं ना, काफ़ी बिगड़े हुए मिजाज होते हैं गवैयों के। वो समझते हैं कि हम तो कुछ शब्दों के परे हम लोग हैं, उच्चारण उनके ठीक नहीं होते हैं, और वो समझते हैं कि हम कुछ भी उपज कर सकते हैं तो कुछ भी स्पेसिफिक नहीं कर सकते। तो फिल्म गाना एक अलग चुनौती है, इट्स अ डिफरेंट म्यूजिकल फॉर्म एंड इट इज़ नॉट एन इन्फीरियर फॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने समय निकाला हमारे लिए और तमाम अलग अलग पहलुओं पर बातचीत हुई, और इस इंटरव्यू को हम आपका आपके आशीर्वाद के स्वरूप लेते हैं, क्योंकि आप जैसे कलाकारों से मुलाकात करना, बातचीत करना, वो अपने आप में एक सौभाग्य है। एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय रखें। इसके अलावा रागगिरी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे आपके पास जानकारी यानी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप वक्त हो तो तुरंत देखें, नहीं तो बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि रागगिरी भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में जागरूकता फैलाने का एक मंच है, जो एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, और 2014 से हम छोटे बच्चों के लिए खास तौर पर ये मुहिम चला रहे हैं, जिसका टाइटल है सुनेंगे तभी तो सीखेंगे।